इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गोर चरण प्यारे बस रहे हृदय गोर चरण प्यारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे सिमर मना राम नाम चितारे बंधन का
काट मुकत गुर कीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। सिमर मना राम नाम चितार, सिमर मना सिमर मना राम नाम चितार। जेहवा जप गुरु नाम, जेवा 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 जप गुरु नाम, जेवा प्यास से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पाछा समझा रहे हैं हमारे प्रकरण को याद रखना, चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार, कोई चुप करके बैठ जाए मन चुप नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबान को चुप कराना तो बड़ा आसान है, थोड़े से अभ्यास से ये चुप हो जाती है, चोट खाकर चुप हो जाती है, थोड़ा ज्ञान हासिल कर जबान चुप की जा सकती है। मन को चुप कराना बहुत ही कठिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पाछा कहते हैं असली मोनी वो जो मन को चुप करा ले। जो मन दूसरे के बारे में बुरा सोचना बंद कर दे वो मन मोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मन किसी की बुराई देखकर उस पर पर्दा डालना सीख जाए वो मन में असली मोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मन में किसी दूसरों के लिए दया हो वो मन मोनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली मोनी उसे कहते हैं जिसका मन चुप कर जाए, गलत दिशा में ना जाए सही दिशा में जाए। जबान के चुप कराने को कल भी कहा था, पॉइंट रिपीट इसलिए कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किसी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर मुझे ज्ञान हुआ कि चुप कर जाएगी जबान तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए मैंने मौन धारण कर लिया। महापुरुषों ने समझाया जो मौन कृष्ण जी ने कहा है वो मन का मौन है, तूने जबान बंद कर दी। अगर कृष्ण जी भी अपनी जबान बंद कर लेते, चुप कर जाते जो मौन को तूने पकड़ा वहां पे, तो गीता कहां से आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर महापुरुष चुप कर जाए तो ज्ञान कहां से आए, दुनिया को सही रास्ता कैसे दिखाए। गुरु नानक पाशाह ने क्या कहा दत्तात्रेय देव से, तूने चुप करके पाप किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने लोगों का भला कर सकता था पर तू केवल अपना आनंद लेने के लिए अकेला बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पाशाह एक और बात समझाते हैं, कहते हैं कुछ घंटों के लिए मौन धारण करना, कुछ समय के लिए चुप करना ये बहुत जरूरी भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर में एनर्जी बनती है, मन खिंडता नहीं एकाग्रचित होता है। कम बोलने की बहुत महत्व दिया है वाणी में, बहुत कितने शब्द कितने प्रमाण है जिसमें कहा गया है कि कम बोल, बहुत कम बोल। जहाँ पर दो अक्षर से बात बनती है चार मत बोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एकदम चुप कर जाना अनर्थकारी है। ज्यादा बोलना अगर अनर्थकारी है, बिल्कुल चुप कर जाना भी अनर्थकारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, कृष्ण जी ने जो भगवत गीता में कहा है दास वो बताने जा रहे हैं। ज्यादातर हम सब यही कहते हैं, मैं भी कई बार कहता हूँ, क्योंकि समझाने के लिए पॉइंट लेना पड़ता है।
हम अक्सर कहते हैं कि महाभारत का युद्ध एक वाक्य से हुआ, द्रौपदी के ज्यादा बोलने की वजह से। उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो टर्निंग पॉइंट जरूर था महाभारत का, पर कृष्ण जी कहने लगे असल में महाभारत के युद्ध तीन लोगों के ऊपर है, द्रौपदी तो एक नमित मात्र है उसमें। तीन लोगों की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे तीन लोगों की वजह से। तीन लोग कौन? द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछा गया कि इनकी वजह से क्यों, युद्ध तो दुर्योधन की वजह से हुआ। कहने लगे नहीं, जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उस वक्त ये तीनों में से एक भी उठ खड़ा होता जुल्म के खिलाफ, क्योंकि इनके पास ताकत भी थी, इन तीनों के पास शक्ति भी थी, सामर्थ्य भी था, ताकत थी रोकने की, पर इन्होंने नहीं रोका। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म को जानते भी थे, धर्म को मानते भी थे, पर धर्म का पालन नहीं किया, चुप रहे। इनकी चुप की वजह से महाभारत हुआ, इतने लोग मरे। ये सारा पाप इन तीनों के सर पे है। ताकत भी है, शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, रोक सकते हैं, फिर भी नहीं रोका, चुप रहे। क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप रहना ज्यादा बोलना नर्थकारी है, पर चुप रहना गलत काम को देखकर उससे ज्यादा नर्थकारी है। इसलिए महापुरुष वचन किया करते थे कि आज का समाज भी बुरा इसलिए नहीं कि बुरे लोग ज्यादा है, नहीं, बुरे लोग बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। समाज बुरा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नेक लोग हैं वो चुप करके बैठे हैं, सहते रहते हैं, चाहे कोई गलत काम करता जाए चुप कर जाते हैं कि हमें क्या लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाज बुरा अच्छे लोगों की वजह से है, और अच्छे लोगों की वजह से क्यों? क्योंकि वो चुप बैठे हैं। अगर आवाज उठाए बुराई की तरफ तो बुराई कितनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर कोई बिल्कुल चुप कर जाता है पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जेवा किस लिए मिली? जेवा जप गुरु नाम, जेवा जेवा जप गुरु नाम, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुबान ज्यादा बोले अनर्थकारी, बरसात ज्यादा पड़ जाए बाढ़, बरसात ना पड़े सूखा, जुबान चुप कर जाए नुकसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब से बोले लाभकारी, सिचुएशन के हिसाब से जबान का इस्तेमाल है। अब कोई चुप कर जाए, सिचुएशन को देखिए, गुरु डांट रहा है, गुरु शिष्य को डांट रहा है, सेवक को डांट रहा है, अब सेवक आगे बोल पड़े निरादरी पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता डांट रहे हो, बालक आगे से बोल पड़े बुरी तरह से कड़वे बोल पाप निरादरी, अब यहां पर चुप रहना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब गुरु सवाल पूछ रहा है कुछ, सेवक जवाब ना दे, निरादरी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिचुएशन देखिए, इस जबान का इस्तेमाल महापुरुष समझाते थे, सिचुएशन के हिसाब से करना है, कहां बोलना है, कहां चुप करना है, ये बहुत विवेक की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इस बात को बड़ी बखूबी समझाते हैं, कहते हैं जो लोग ज्यादा ज्ञान जागते हैं, जो लोग बहुत उपदेश देते हैं, असल में भीतर से खाली होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसका उदाहरण बड़े कमाल के ढंग से दिया भाई गुरदास जी ने, श्रवण कीजिए। गली साध ना आवे, गली साध ना आवे, जिचर मुह खाली। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुंह खाली है इसका, मुंह खाली है, मुंह में कुछ है नहीं, जबान सवाद किस चीज का ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव जिस जबान ने नाम का स्वाद नहीं चखा, नाम का अमृत नहीं चखा, थोड़ा सा भी नहीं चखा, वो बहुत बोलती है। क्यों? खाली है जबान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो बोल रहे हैं कि मैंने बड़ा आनंद ले लिया, बड़ा कुछ पा लिया, मैंने जो लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हम ये हम वो पाछा कहते हैं, खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन हर पाया तिन्हें छिपाया, दिखाया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो जबान बहुत बोल रही है, भाव मुंह खाली है। भाई साहब, भाई गुरदास जी बड़े निराले ढंग से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। मुंह मेरा खाली है तभी मैं बोल पा रहा हूँ, अगर मेरा मुंह भरा हुआ हो मैं कैसे बोलूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगली पंक्ति में यही कह रहे हैं भाई गुरदास जी, श्रवण कीजिए। मुंह पर क्यों बोलिए, मुंह पर क्यों बोलिए, रस जीभ रसाली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसा भाई गुरदास जी कहते हैं, अगर मुंह में मिठाई भरी हो, पूरा मुंह मिठाई से भरा हो, अब जबान मिठाई का रस ले रही है, अब वो आदमी बोलेगा कैसे, मुंह भरा पड़ा है। इसी प्रकार इसे नाम का रस आ गया जिस जबान को, वो बहुत कम बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि हमारा बोलने का दिल ही नहीं करता, पर क्या करें, गुरु नानक का हुक्म में बोलना पड़ता है संगत के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसीलिए बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, बोलना सार्थक उसका है जिसका बोलने का मन ना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे बोलने का बहुत चाव हो ना, समझ लेना खाली है, और जो सोच सोच कर अक्षर अक्षर गिन गिन कर बोले, या केवल जब जिज्ञासु सामने दिखे तब बोले, समझ लेना इसकी रसना को रस आ चुका है नाम का, ये चुप कर जाना चाहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये रस ले रही है, जो रसना खाली है बिना रस के वो ज्यादा बोलती है, जो रस ले रही है वो कम बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। शब्द सुरत सिमरन उलंग नहे नजर निहाली, नजर निहाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
फिर से पंक्ति लेना ये वाली। शब्द सुरत सिमरन उलंग नहे नजर निहाली। कितना प्यारा ज्ञान छुपा है इन पंक्तियों में। शब्द सुरत सिमरन जिसका सुरत शब्द से जुड़ गई हो, भीतर सिमरन चल रहा हो, उसकी अवस्था का व्याख्या किया है। उलंग नह नदर निहाले। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं जिसकी सुरत शब्द से जुड़ जाए, इसका सिमरन शुरू हो जाए अजपा जाप, उसकी आंख उल्लंघन नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी सुरत उसकी आंख उल्लंघन नहीं करती भाव, बॉर्डर नहीं लांघती। किस चीज का बॉर्डर? मर्यादा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी नजर में नाम के ऊपर कुछ है ही नहीं, उसे कुछ दिखाई नहीं देता नाम के ऊपर, कोई चीज उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अजपा जाप जिसका शुरू हो जाए, जिसकी रचना नाम के रस में डूब गई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे पंथ को पंथ ना सुझई ना सुझई, पल मस्त ख्याली पल मस्त ख्याली। बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंथ कुपंथ न सुझई अलमस्त ख्याली। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अवस्था मिल जाए कहीं, ये अवस्था द्वैते एक रूप रह गए, ये अवस्था एक के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, एक ओंकार एक जिसका रसना, जिसकी रसना राम के रस में नाम के रस में अमृत रस में डूब गई हो, सुरत शब्द से जुड़ गई हो, हृदय में सिमरन चल रहा हो, क्या होता है अवस्था क्या बन जाती है उसकी? ये निशानी बताई है उसकी जिसकी अवस्था हो। पंथ को पंथ ना सुझई, कमाल की बात है। सारे झगड़े सारे फसाद की जड़ वो किसी पंथ का नहीं रहता, उसे सोचता ही नहीं कि मेरा अलग पंथ है, दूसरे का अलग पंथ है, इसका वो पंथ है, ये हमारे पंथ का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज यही चल रहा है ना, सोशल मीडिया देख लो, मैं उसे नहीं मानता, ये मुझे नहीं मानता, ये वैसा है ये ऐसा है, वो इस पंथ के है ये इस पंथ के है, किसका नाम लो, सब एक जैसे, किसी को बुरा कह नहीं सकते, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, रास्ते अलग अलग हो मंजिल तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब किसी को यहाँ से जाना है, मैं अपने शहर की अगर बात करूं, यहाँ से किसी को दो नंबर जाना है, कोई ब्रिज से होकर जाएगा, कोई चार नंबर की रोड से चला जाएगा, कोई पीछे की रोड से भी जा सकता है, जिसे जो रास्ता पसंद हो पहुंचेगा तो गोल मैदानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ये बात उसी ही की समझ में आती है जिसे ये रस आ गया हो, इससे इससे एक बात क्लियर है, जो लोग पंथ के नाम पे धर्म के नाम पर झगड़े फसाद करते हैं या सोशल मीडिया पर लड़ते हैं, सिंपल सी बात है, उन्हें नाम का रस नहीं आया अब तक, अगर आ गया होता तो ये बात करते ही ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हर एक का पंथ फिर सही दिखाई देता है, कोई गलत है ही नहीं। पंथ को पंथ ना सुझई अल मस्त ख्याली, वो तो अपने ख्याल में मस्त है, ख्याल कहाँ पर है उसका? राम मेरे राम मेरे राम
राम मेरे राम जेहवा जप गुरु नाम जेहवा जप गुरु नाम जेहवा जगमग चाल सुढ़ाल है गुरमत निराली डगमग चाल सुढ़ाल है गुरमत निराली। हर से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। जिसकी ये अवस्था बन जाए क्या होता है? भाई साहब गुरुदास जी निशानियां बता रहे हैं। तो वो चुप कर जाता है, बहुत कम बोलता है, फिर उसकी नजर मर्यादा को पार नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पदार्थ उसके लिए मायने नहीं रखता सिवाय नाम के। फिर उसके लिए कोई पंथ मायने नहीं रखता, कोई धर्म मायने नहीं रखता, वो उससे ऊपर उठ जाता है। कोई सरहद उसके लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार संत अत्रे सिंह जी मस्तवानी के दास वचन पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया पढ़ के। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, काफी समय मैं बार बार पढ़ता था और उसके बारे में एक दो घंटे विचार करता था, मेरी समझ में नहीं आता था, जो अब जाके समझ में आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी अवस्था वाला को ही वो समझ सकता है, या गुरु मेहर करे, अवस्था तो गुरु मेहर ही करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अत्रे सिंह जी मस्तवानी वाले लिख के गए हैं वो अक्षर, वो भी इतने मोटे अक्षरों में लिखे हैं वो, और एक खास पेज पर लिखे हैं स्पेशली ध्यान दिलाने के लिए कि इस दुनिया में 99% ये बात किसी को समझ में आने वाली नहीं है, पर अगर गुरु बुलवाना चाहता है मैं बोल रहा हूँ। इस दुनिया में शांति पता कब होगी? संत अत्रे सिंह जी मस्त होने वाले के वचन, जिस दिन देशभक्ति खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें तो लगेगा हमें बचपन से देशभक्त बनाया जाता है, देश के लिए लड़ मरना, देश के लिए ये, देश के लिए वो, ये है देश के लिए लड़ने वाले को मरने वाले को शहीद का दर्जा है, बहुत ऊंची क्लास है। और इससे ऊंची एक क्लास है महापुरुषों की, जो अवस्था की बात जो दास ने की कि पंत को पंत न सूझे, उनके लिए कोई मर्यादा कोई देश ही फर्क ही नहीं रहता, वो देश या ये देश, वो अवस्था के वचन है ये। देशभक्ति खत्म हो जाएगी। असल में देशभक्ति है क्या? बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, बॉर्डर के उधर के लोग भी खड़े हैं, सैनिक खड़े, दोनों दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं रोज। आज इधर से फोन आ जाता है मार दो, ना चाहते हुए भी मारना पड़ता है, हुक्म आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेकंड में दोस्त दुश्मन बन गया, क्यों? देशभक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े गहरे वचन है, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है फोन देश को बचाने के लिए आया है, पीछे कारण होगा, पर देश भक्ति खत्म हो जाए इसका मतलब बड़ा गहरा है। इसका मतलब है कि एक देश में और दूसरे के देश में इन लोगों में उन लोगों में कोई फर्क दिखाई देना बंद कर देता है। महापुरुषों की अवस्था है, उन्हें केवल हर इंसान में एक ज्योत दिखाई देती है परमात्मा की, उनके लिए वितकरे खत्म हो जाते हैं, सरहदें खत्म हो जाती है, पंथ को पंथ न सूझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो अवस्था है जिसे हम नहीं समझ सकते बस। और आगे कहा है ना, डगमग चाल सुढ़ाल है गुरमत निराली, वो अपनी चाल चलते हैं बेपरवाह सदा रंग हर के चाको पाक स्वामी। आप समझो किसी का दोस्त प्रधानमंत्री हो, वो कैसे अकड़ कर चलेगा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसके साथ गुरु नानक दोस्ती कर ले, गुरु नानक का जो दोस्त बन जाए या गुरु नानक को अपना दोस्त बना ले, जिसकी तरफ गुरु नानक आकर खड़ा हो जाए सृष्टि का मालिक, उसे किस बात की परवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बेपरवाह सदा रंग हर के। बेपरवाह कौन होते हैं? एक होते हैं लापरवाह, हम लापरवाहों में से हैं, बेपरवाह नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बेपरवाह सदा रंग हर के, वो हमेशा नाम के रंग में, राम के रंग में रंगे रहते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं। क्यों? जाको पाक स्वामी, जिनकी साइड गुरु नानक ले ले, वो स्वामी जिसकी तरफ आके खड़ा हो जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। डगमग चाल सुडाल है गुरुमति निराली, अपने चाल चलते हैं बेपरवाह, ना निंदा का डर ना उस्तत का लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेपरवाह आगे चढ़या चंद ना लुके, चढ़या चंद ना लुके, तक जोत कुनाली, तक जोत कुनाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, चाहे कितना यत्न करे, कितना प्रयत्न करे, छिप नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कमाई वाले अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर ये पंक्तियां भाई गुरुदास जी की कह रही हैं ना, चढ़िया चंद ना लुक, पूर्णमासी का चांद हो हर तरफ से दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कितना भी छुपाने का प्रयत्न करो वो नहीं छिप सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए बादल घेर सकते, थोड़ी देर के लिए, परमानेंट नहीं छिपाया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, सारी दुनिया में रोशन हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव ये कि मुंह भरा हो आवाज नहीं निकलती, खाली मुंह बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीप में मोती हो सीप बंद होता है, मुंह खुल जाए, सीप खुला पड़ा हो समझ लो उसके अंदर मोती नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चुप कर जाते हैं, कम बोलते हैं, चुप करने का मतलब यहाँ पे बार बार दास समझा दे, हमेशा के लिए चुप नहीं, जो कम बोलते हैं, तोल कर बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, बोलने से पहले दो बार सोचते हैं किसी का हृदय न दुख जाए, जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, अंदर से नाम के रस से भरे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सीप में मोती हो सीप बंद रहता है, अगर जबान बंद है अंदर रस है, फालतू बोल रहा है समझ लो खाली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भंवरा फूल पर मंडराता है, आवाज करता है, आवाज करता रहता है, फूल पर मंडरा रहा है जब तक, पर जिस दिन वो फूल पर बैठ गया, जिस वक्त आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि अब रस पी रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना साथ संगत जी, चुप है चुप ना होवे जे लार हाली वितार, कम बोलना है, चुप रहकर नहीं पाया जा सकता, गुरु नानक पाशा सिद्धों को समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिल्कुल चुप रह जाने को पाप कहा है, ये भी नहीं कहा कि इसका कोई फल नहीं, एक अलग बात है फल ना होना, पर पाप रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटी है। देखिए ये नहीं कहा रसना सिमरे ना नाम, जपे ना नाम, जपना बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि आओ बैठकर सिमरन करते हैं, ये सिमरन इसे नहीं कहते, इसे जाप कहते हैं। हम बोल रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं उसे जाप कहते हैं, सिमरन उसे कहते हैं। रसना बंद हो गई, मुंह बंद है, सुरत में चल रहा है, याद में चल रहा है, उसे कहते हैं सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस रसना से जपना है। जेहवा जेहवा जप गुरु नाम, जेहवा जप गुरु नाम, जेहवा जेहवा जेहवा
जप गुर नाम से बोलिए धन गुरना धन गुरना। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये ज्ञान है। हर से बोलिए धन गुरना धन गुरना। झगड़ा कब होता है कभी विचार किया है? जब दो लोगों में झगड़ा होता है कब होता है? जब दोनों बोल रहे हो कि हर से बोलिए धन गुरना धन गुरना। अगर एक चुप कर जाए, ये महापुरुषों के वचन है, बड़े कीमती, समझ देना, बहुत काम आएंगे जीवन में, मेरे तो बहुत आए, हो सके तो समझ लेना। और ये सबके लिए, हम सबके लिए। जब एक आदमी क्रोधित तो हो रहा हो, जो पहले क्रोधित हो गया उसका अधिकार है क्रोध करना, क्योंकि पहले क्रोधित वो हुआ है। दूसरे का कहते थे तब फर्ज है, चाहे कितना भी क्रोध आया हो तुझे, तेरा फर्ज है, तेरा धर्म है उस वक्त चुप कर जाना। घर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि पहले क्रोध उसने कर दिया है, अब तू चुप कर जा, झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, झगड़ा टल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर तू भी बोल पड़ा तो झगड़ा निश्चित है। तो जो दूसरा होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाती है कि अब मुझे चुप करना है, क्योंकि पहले वो बोल पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसी प्रकार से अगर दो लोग अपना जीवन व्यतीत करें कि एक जब क्रोधित है दूसरा चुप कर जाए, महापुरुष कहते थे झगड़ा हो ही नहीं सकता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक शायर ने खूब लिखा है, वो समझे थे कि तमाशा होगा, वो समझे थे कि तमाशा होगा, और मैंने चुप करके माहौल ही बदल दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो समझे थे कि तमाशा होगा और मैंने चुप रहकर माहौल ही बदल दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। है तो दुनियावी बात पर बहुत कीमती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुनियावी प्रमाण है लोग देते हैं, बंदूक से निकली गोली, कमान से निकला तीर, जुबान से निकला बोल वापस नहीं आता। और ये एकदम सच है। कहते थे कोई दुनिया जीत सकता है, दुनिया अगर मीठा बोलना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की जबान मीठी होना, वो दुनिया जीत सकता है, चाहे उसके जेब में पैसे ना भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। If you don't have money in your pocket, must have honey on your tongue. प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अगर जेब में पैसे नहीं है पर अगर जबान मीठी है तो दुनिया जीत सकता है, दुनिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात करने का ना ढंग होता है। अगर आप किसी को डांट भी रहे हो तो अक्षर चुनकर यूज करो, कई बार समझाना पड़ता है। अब किसी को डांटते वक्त कह दो कि तू तो जानवर है, बुरा मान जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहो तू शेर है, खुश हो जाएगा, पर शेर भी तो जानवर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा स्वभाव शेरों वाला है, बुरा भी नहीं मानेगा, खुश हो जाएगा मुझे शेर का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना आती है, ऐतिहासिक, बड़ी प्यारी है। अब दो पंक्तियां पढ़ ली, फिर इसका विचार आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, चुप है चुप ना हो गई, चुप है चुप ना हो गई, चुप है चुप ना हो गई। इसके अर्थ फिर से समझ लो, अर्थ फिर से समझ लो। चुप है चुप ना हो गई, किस जबान को चुप कराने से तेरा मन चुप नहीं होगा, और बात तेरी तभी बनेगी जब तेरा मन चुप हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप है चुप ना हो गई, जलाए रहा लिबता जेवा 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 जप गुरु नाओ जेवा 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 जप गुरु नाओ जेवा
जेहवा जेहवा जप गुरु नाम जेवा ये घटना मेरे चोजी प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी के समय की है। चोज भी किया करते थे ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और यहाँ पर भी उन्होंने चोजी किया, इसलिए दास ने उन्हें आज चोजी प्रीतम कहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं आनंदपुर साहिब के किले में, संगत सजी हुई है। एक साधु आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पत्थर हाथ में, हाथ में एक कोयले का टुकड़ा है और पत्थर पर लिख लिख कर बात कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लिख कर क्या कहता है, पत्थर पर लिख कर दिखाता है सेवादार, सेवादार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को दिखाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हाथ में पत्थर लेकर पढ़ते हैं, लिखता है, कई सालों से हमने मौन रखा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौनी साधु, कई सालों से मौन रखा है हमने, मन को जीत लिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत में कहते हैं, भाई ये बहुत बड़े मौनी साधु आए, सारे नमस्कार करो। सबने नमस्कार किया, वो खुश हो गया, बिठाया उसे, कहने के कई सालों से मौन रखा है और लिखा है कि मन को जीत लिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कमाई है इनकी। वो मौनी साधु वहां बैठे प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी उस्तत करते जा रहे हैं। फिर अपने एक शिष्य से कहते हैं, भाई इसे घर ले जा, ये बहुत कमाई वाले मौनी साधु हैं जिन्होंने मन को जीत लिया, कई सालों से बोले नहीं, घर में ले जाके इन्हें पूरी कचौरी कड़ा खीर खिलाना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अच्छे से सेवा करना, अपने घर में रखना, दोपहर को भी सेवा करना, रात को भी करना, सुबह भी खिलाना, फिर कल लेके आना शाम को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दक्षिणा भी बहुत अच्छे से देना, बहुत कमाई वाले मौनी साधु है, इन्होंने मन को जीत लिया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा, पूरी खिलाना, कचौरी खिलाना, कड़ा खिलाना, खीर खिलाना। मौनी साधु बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज बड़ी आवभगत होगी। सिख के साथ चले गए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख को इशारा कर दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे चोजी प्रीतम, सिख घर में ले गया, वो बैठ गए खाना खाने के लिए। सिख भीतर से आया, रसोई में बिठाया भीतर, और क्या लाके दिया, हाथ में एक सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़ा सा अचार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौनी देख रहा है सिख की तरफ, हाथ हिला रहा है, इशारे कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूरी कचौरी कहा था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सिख जैसे ना समझ में नहीं आ रही बात, वो अनजान बन गया। किसी प्रकार उसने उस वक्त खाली मन में सोचा, शायद शाम को खिलाएगा, इस वक्त नहीं बने होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को जब मौनी बाबा खाने बैठे, सिख ने फिर से वही किया, एक रोटी सिर्फ और उसके ऊपर अचार रखे, सूखी रोटी। अब मौनी पत्थर लेता है, पत्थर पे लिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खीर कचौरी पूरी और ये कहा था कड़ा खिलाना। पत्थर उसको देता है, वो बोलता है पत्थर लेके कि भाई मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मौनी परेशान हो गए, बाबा क्या करूं मैं, इसे पढ़ना नहीं आता। फिर से सूखी रोटी खा ली, सुबह हुई, उसने सोचा आज अभी तो जरूर मिल जाएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसे कहा था। सुबह हुई वही हाल, फिर से सूखी रोटी और अचार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो वो चिल्ला पड़ा, लिख के कहता है, भाई
वापिस आगे करता है, कहते मैं अनपढ़ मुझे नहीं पढ़ना आता, बोल पड़ा, पढ़ना नहीं आता, बहरा तो नहीं, सुनना तो आता है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तुझे लिख के थोड़ा कहा था, बोला था ना कि कचौरी खिलाना, कड़ा खिलाना, खीर खिलाना, दक्षिणा भी देना, और तू सूखी रोटी देता है, मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा, और गया आनंदपुर से, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जाके कहता है कि आपने सिख से कहा था कि पूरी कचौरी कड़ा खीर खिलाना, सूखी रोटी खिलाता रहा तीनों टाइम, और दक्षिणा भी नहीं दी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे बाबा आपने लिखा था कि मन को जीत लिया है, कहाँ जीता है मन को, घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक खीर कचौरी के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया, मौन व्रत कई सालों से जो रखा था वो तोड़ दिया, कहाँ जीता है मन को, घर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तब उसे समझाया कि जबान को बंद कर लेने से मन बंद नहीं होता, तू लिख रहा है, जब तू लिखता है तेरा मन बोलता है, बंद कराना था मन को। बार 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 ये पॉइंट आ रहा है क्योंकि दुनिया भटकी पड़ी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई मौन व्रत धन कर धारण करके कमरे में बैठा भी है, लिख लिख कर बोल रहा है, वो बोल रहा है लिख लिख कर क्योंकि उसका मन बोल रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल मौनी कौन, जिसका मन चुप कर जाए वासनाओं से, जिसका मन चुप कर जाए निंदा से, जिसका मन चुप कर जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन के चुप करने को मौनी कहा है, जबान के चुप करने को नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके कई पहलू हैं, कई चुप है चुपना हो गई के कई पहलू हैं, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, इसके कई पहलू हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर आखिर में ये भी है कि मन चुप करता कैसे है, मन को चुप कराने का क्या तरीका है। आइए आज यहाँ पे समाप्ति करते हैं, समय हो गया है, गुरु मेहर करें, गुरु मेहर करें, अगर विचार आगे बढ़वाने हुए कल तो फिर से बढ़वा लेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जेहवा जप गुरु नाम, जेहवा जप गुरु नाम, अंतर गुरु
जप गुरु नाम शिव शंकरा नमः शिवा शिव शिव शंकरा नमः शिवा मेरे साथ चलना मेरे संग रहना मेरे साथ चलना मेरे संग रहना मेरे कष्टों को भस्म करना शिव शंकरा नमः शिवा माथे पे तेरे चंदा विराजे गंगा जटा के तीज समाए शंकरा काल भी तू है महाकाल तू है त्रिलोक भी तू शिव भी तू ही शंकरा विराजे तेरे अंग संग्रह गौरा मैया शंकरा सर पे बिठाए गौरा की सौतन जिस लोग कहते हैं गंगा मैया शंकरा चटान गंगा बहती है और जा पुछनी रहती है उदस मेरे भोले गंगा तेरी की लग दी तेरे दर पे आया बाबा झोली खाली लाया बाबा जल चढ़ाने आया बाबा बड़ी दूर से आया बाबा तेरे दर की शान निराली संग बिठाए मागर काली संग बिठाए भैरो बाबा तू ही साधु अखंड दानी शिव शंकरा नमः शिवा शिव शिव शंकरा नमः शिवा मेरे साथ चलना
संग रहना, मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
जय गुरु जी की। Oh.
साजी